प्रदूषण से बचाव और पर्यावरण की रक्षा के लिए दिल्ली एनसीआर में स्क्रैप सेंटर खोला गया। इस स्क्रैप सेंटर में पलभर में पुरानी गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो जाएंगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत इस स्क्रैप सेंटर का उद्घाटन खुद नितिन गडकरी ने किया। जरा देखिए कैसे यहां गाड़ियों को स्क्रैप में बदला जाता है। यह है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत के कदम की एक और तस्वीर, जहां पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से बने स्क्रैप सेंटर में पुरानी गाड़ियों को पलभर में स्क्रैप में तब्दील किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बने इस दूसरे स्क्रैप सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया, जो देसी तकनीक से बने इस स्क्रैप सेंटर को देखकर गदगद नजर आए। अब इसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, 45 करोड़ रुपीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। मेरा सुझाव है कि इसी धरती पर हमारे एमएसएमई में आ सकता है। तो मैं आज, मुझे खुशी हुई कि यहाँ जो मशीनरी यूज़ की गई है वो 100% इंडियन है। इसके पहले जापान, जर्मनी और बेल्जियम में ही ये मशीनरी मिलती थी जिसकी कीमत ज़्यादा थी। तो ये इंडिया में ये मशीन भी अवेलेबल है और रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त के महीने में नई स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया था और उम्मीद जताई थी कि नई स्क्रैप पॉलिसी देश के विकास को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। ऐसे में केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने मारुति टोयोटा के स्क्रैप सेंटर का नोएडा में उद्घाटन किया। पीएम मोदी के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लेकर चल रही है, ताकि देश में सड़क दुर्घटना और प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सके। सरकार की योजना है कि देश के हर डिस्ट्रिक्ट में 2 स्क्रैप सेंटर इसी तर्ज पर खोले जाएं, जैसा कि दिल्ली एनसीआर में ये सेंटर खोला गया है। दिल्ली एनसीआर में ये दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप सेंटर है, जिसमें हर महीने 2000 गाड़ियों को कबाड़ में तब्दील किया जाएगा। इसके लिए बस आपको कंपनी के दिए हुए एड्रेस पर मेल करना है या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। 20 साल पुरानी आपकी गाड़ी को कंपनी घर से आकर लेकर जाएगी और इसके बाद नई गाड़ी की खरीद पर 5% की छूट मिलेगी। ये एक हमारा पहला मारुति सुजुकी टोयोटसो इंडिया लिमिटेड का पहला वेंचर है, जिसमें करीब 3 एकड़ पौने 3 एकड़ के प्लॉट पर हमने एक फैसिलिटी रखी है, जिसमें 24,000 गाड़ियों को हम बहुत ही एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से, बहुत साइंटिफिक तरीके से, एंड जो रीसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी आई है उन पॉलिसी नॉर्म्स के तहत हम कार को डिसमेंटल और स्क्रैप एंड रिसाइकल कर सकें। अब आपको ये भी बता दें कि नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत आप किन गाड़ियों को स्क्रैप सेंटर में भेज सकते हैं। देश में चलने वाली गाड़ियों को एक तय समय पर फिटनेस टेस्ट करवाना होगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर उसे फिटनेस सेंटर पर ले जाना जरूरी है। प्राइवेट गाड़ियों को 20 साल बाद और कमर्शियल गाड़ियों को 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट से गुजरना ही होगा। अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो उसे स्क्रैप सेंटर में भेजना ही होगा, जिसके बाद स्क्रैपिंग सेंटर पर इन गाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से कबाड़ में बदल दिया जाएगा। देश में नोएडा एनसीआर की तर्ज पर ही कई स्क्रैपिंग सेंटर्स बन रहे हैं। 200 मिनट में 20 साल पुरानी गाड़ी को कबाड़ में बदलने वाले इस प्रोसेस को केंद्र की मोदी सरकार देश का भविष्य बता रही है। सरकार के मुताबिक 15 साल और 20 साल पुराने वाहन को इसी तरह के स्क्रैप सेंटर में लाकर कबाड़ में तब्दील कर दिया जाएगा, ताकि सड़क दुर्घटना और प्रदूषण की समस्या से देश को निजात मिल सके। दिल्ली से मनदीप के साथ टीम न्यूज़ नेशन।